हाय भाई, नमस्ते। अभी पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि हम एसी वोल्टेज कैसे चेक करें, हमारे घर में सप्लाई कैसे चेक करें, वो सारी चीजों का। अभी मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ आपको कि मल्टीमीटर का जो लेफ्ट साइड वाला है, जहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग डीसी वोल्टेज नाप सकते। और बहुत सारी डीसी प्रोडक्ट हमारे घर पे रहती है, जो कि हम लोग उससे ये पता चल सकते कि हमारा प्रोडक्ट वर्किंग में है या नहीं वर्किंग में। तो जब मैं डीसी की बात कर रहा हूँ तो कितना वोल्टेज लिमिटेड रहेगा उतने हम डिजिट पे उसको लेके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कि अभी ये मेरा रिमोट है, रिमोट में जो बैटरीज आती है वो डीसी वोल्ट का एक स्टोर होता है, मतलब एक स्टोर रूम है, ये डीसी वोल्ट रखने का एक स्टोर रूम है बैटरी। मतलब अगर आप गौर से देखेंगे तो इस बैटरी पे आपके लिखा होता है कि इसमें कितना वोल्टेज है। आप अगर गौर से देख सकते हैं तो 1.5 वोल्टेज लिखा हुआ है डीसी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉड को अगर आपको दिख जाएगा, गौर से देखेंगे तो शायद ये वीडियो में नहीं देख पाएंगे आप, बट मैं ये बैटरी जो होती है जनरली 1.5 डीसी वोल्ट रहता है, मतलब 1.5 वोल्ट का डीसी सप्लाई रहता है इसमें। तो जैसे कि मैं अभी 1.5 है तो मैं ये 20 पे ले लूंगा, 200 पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे शायद। और मैं अगर 20 पे लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसा रख देता हूँ और मेरा सेल है। आप अगर ये वाले जो प्लेन जगह है वो है माइनस, और एक्चुअली ये जो टोकीली चीज है नोक वाली ये होता है प्लस। अगर ये ब्लैक वाला होता है वो माइनस में होता है, और जो प्लस वाला होता है वो प्लस में होता है, और रेड वाला। तो मैं अगर यहाँ से चेक करूँ तो मुझे दिखाई देगा कि मेरा सेल चालू है, क्योंकि मेरे मल्टीमीटर में 1.57 के आसपास वोल्टेज बना हुआ है, मतलब इसमें उतना सप्लाई स्टोर है। तो मुझे मेरा बैटरी खराब है या नहीं खराब है ये मैं आराम से चेक कर सकता हूँ घर बैठे। एक 150-200 रुपए का मल्टीमीटर आता है, उस मल्टीमीटर से आप लगभग आपके बेसिक जो कुछ भी चेकआउट है वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, और आपके हजारों लाखों रुपए बचा सकते हो आप डेफिनेटली।